भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा घाट में बुद्ध पूर्णिमा एवं बैसाख पूर्णिमा को लेकर बिहार झारखंड के कई जिलों के भक्त गंगा स्नान कर अजगैबीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध भगवान का जन्म एवं विष्णु भगवान आज के दिन नौवें अवतार लेने पर बिहार झारखंड सहित अन्य राज्यों के लोग गंगा स्नान कर बाबा भोलेनाथ बुद्ध भगवान विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए भक्त अजगैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा तट पर पहुंचकर गंगा स्नान करते हुए अजगैबीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ बुद्ध भगवान विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। वहीं पंडित एवं भक्तों ने बताया कि आज के दिन का विशेष महत्व होने के कारण सपरिवार अजगैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा स्नान करते हुए अजगैबीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से सुख शांति मिलती है, इसलिए सभी पहुंचे हैं। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन एवं नगर परिषद द्वारा गंगा घाटों में सुरक्षा व्यवस्था एवं गंगा घाट में साफ सफाई अभियान एवं नौका की व्यवस्था की गई है। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। आज का दिन बहुत ही विशेष महत्व है क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन नहाने से बहुत पुण्य मिलता है और आज जो है हम लोग का सोमवार भी पड़ता है, इसलिए खास करके सभी गंगा नहाने आए हुए हैं। हाँ, बैसाख पूर्णिमा भी है जी। बैसाख पूर्णिमा आज के दिन नहाने से बहुत सारे पुण्य मिलते हैं, इसलिए सारे भीड़ देख रहे हैं, इसीलिए लगा हुआ है। क्या नाम हुआ दीदी? चंदा देवी। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं असरगंज से। यहाँ पे ज़्यादा महत्व होता है नहाने से, इसलिए खास करके ज़्यादा हम लोग यहीं पर आते हैं। भगवान बुद्ध का जन्मदिन माना जाता है और भगवान बुद्ध जो है भगवान विष्णु के नौवें अवतार के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए हिंदू और बौद्ध दोनों इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। कई लोग इस शुभ अवसर पर गंगा की आरती कर गंगा जल भर कर देवघर की यात्रा करते हैं, बस से पैदल किसी भी प्रकार। वह इस दिन को जल भरकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। नाम सर? चंद्रधारी शरण।